वहीं छतरपुर जिले से दिन दहाड़े लूट का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल यह मामला शहर के नौगांव थाना क्षेत्र का है, जहां बताया जा रहा है कि बुधवार को गल्ला व्यापारी भवानी दीन साहू पैसों से भरा बैग लेकर घर से दुकान की ओर जा रहे थे। उनके बैग में 1.5 लाख रुपए और दुकान की चाबी थी। इसी दौरान व्यापारी ईसा नगर चौराहे पर खुल्ले लेने के लिए एक दुकान पर रुके, वहीं तभी पीछे से आए बाइक सवार दो युवक उनकी गाड़ी से पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वहीं यह वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं व्यापार के शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। वहीं व्यापारी संघ का कहना है कि अगर चोरों से लूटा हुआ माल जल्द बरामद नहीं होता है तो हम मंडी बंद कर अपना विरोध दर्ज करेंगे। भैया आज सुबह घर से निकले जाऊँ दुकान के लिए जा रहे थे, वो रास्ते से उनने ईसा नगर चौराहे से अपने थोड़ा भन्ना ले रहे थे 10 किलो। उनने गाड़ी खड़ी की, पीछे से कुछ बाइक पे बैठ आए पीछे से उन्होंने गाड़ी खड़ी की और बस भन्ना लेने लिए। दूसरे आदमी ने और उससे ठेला निकाला और गाड़ी पर चढ़ने लगा, तो भाई ने देखा उसके पीछे लग गए वो। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद चौराहे पर और जाके अंजुल लाला के चौराहे तक गए, वो वहाँ से जाके पता नहीं लगा किस साइड गए सर। उसमें सर 1.5 लाख के आसपास थे सर। उसमें हमारी गोदाम की चाबी है, पूरी सब पूरे गोदामों की चाबी है, मेरे पास कुछ नहीं करता सर। उसमें 4 गोदामों की चाबी है सर। हम लोग चाहते हैं सर वो पकड़ा जाए और हमको न्याय मिले सर। आए दिन नौगांव में हर यहाँ चोरी हो रही है। अभी एक व्यापारी की गोलक भी उठ गई है सर। अभी उसका कोई निर्णय नहीं निकला सर। हम लोग चाहते हैं सब व्यापारी अगर सही निर्णय निकलता हम सभी लोग मंडी बंद करें, सब व्यापारी चक्का जाम करेंगे सर। हम बताइए ईसा नगर चौराहे के पास जो है एक व्यापारी जिनका नाम भवानी दीन साहू है, अपने घर से निकले थे और अपने घर से निकल के वो एक दुकान पे खड़े हो गए थे। उनकी गाड़ी में टंगा हुआ एक बैग जो है एक व्यक्ति जो है उठा के ले गया है, जिसपे अभी अपराध कायम कर लिया गया है और उसमें पकड़ा जाएगा, उसके तैयारी की जा रही है। ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, पहले जो है 2-1 महीने पहले ऐसी कोई घटना घटी थी जिसमें जो है आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और उसकी भी उसको सीधे न्यायालय प्रस्तुत कर दिया गया है।